हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे द स्टोरी वाइट वॉशिंग द फैंस के एम सी क्यूज हमारा पहला सवाल है वॉट डे ऑफ द वीक डिड द स्टोरी बिगिन स्टोरी की शुरुआत वीक के कौन से दिन हो रही है ऑप्शन से ए मंडे बी सैटरडे सी वेंसडे डी फ्राइडे सही जवाब है बी सैटरडे अगला सवाल है वॉट वॉज टॉम सॉयर डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी स्टोरी की शुरुआत में टॉम क्या कर रहा है ऑप्शन है ए प्लेइंग विद फ्रेंड्स बी वाइट वॉशिंग द फेंस, सी गोइंग टू स्कूल एंड डी फिशिंग सही जवाब है बी वाइट वॉशिंग द फेंस। अगला सवाल है हाउ हाई वॉज द फेंस दैट टॉम वॉज वाइट वॉशिंग टॉम जिस फेंस को वाइट वॉश कर रहा था उसकी हाइट क्या थी ऑप्शन है ए सिक्स फीट बी एट फीट सी नाइन फीट या डी टेन फीट सही जवाब है नाइन फीट अगला सवाल है वॉट डिट टॉम ऑफर टू जिम इन एक्सचेंज फॉर क्या ऑफर किया ऑप्शन से ए मनी, बी सी और डी ब्रश सही जवाब है ए वाइट एली फेंस को वाइट वॉश करने के लिए टॉम ने जिम को वाइट एली ऑफर की अगला सवाल है होम डि टॉम सी कमिंग आउट ऑफ द गेट विद अ टिन पाइल टिन की बाल्टी के साथ टॉम ने गेट से किसको बाहर आते हुए देखा ऑप्शन से ए आंट बी जिम सी बेन या डी सिड सही जवाब है जिम अगला सवाल व्हाट वाज जिम सिंगिंग व्हेन ही केम आउट विद द टिन पाइल जिम जब गेट से बाहर आया तो वो क्या गा रहा था ऑप्शन से ए ओल्ड मैक्डोनल बी यंकी डूडल सी बफेलो गर्ल्स डी ओ सुजाना सही जवाब है Buffalo Girls. जब गेट से बाहर आया तो वो बफेलो गर्ल्स नाम का गाना गा रहा था अगला सवाल वो शो जिम इन एक्सचेंज फॉर व्हाइट वॉशिंग व्हाइट वॉश करने के बदले में टॉम ने जिम को क्या दिखाने का ऑफर किया ऑप्शन है ए न्यू टॉय बी हिज सोर टो सी a हाइड आउट और डी पीस ऑफ कैंडी सही जवाब है his sore toe. जिम अगर व्हाइट वॉश करेगा तो टॉम उसको उसका सूजा हुआ अंगूठा दिखाएगा ऐसा कहकर टॉम ने उसको कन्विंस करने की कोशिश की अगला सवाल वॉट डिड जिम से टू टॉम वेन टॉम आस्ट हिम टू व्हाइट वॉश द फैंस इन एक्सचेंज फॉर फैचिंग वाटर जब टॉम ने जिम को व्हाइट वॉश करने के बदले में पानी लाने को कहा तो जिम ने क्या जवाब दिया ऑप्शन है ए आंट पॉली वुड नॉट नोटिस बी आंट पॉली टोल्ड हिम नॉट टू स्टॉप फॉर एनी सी अगला सवाल वॉट वॉज टॉम्स इंटेंशन फॉर गेटिंग जिम टू व्हाइट वॉश द फैंस फैंस को जिम से वाइट वॉश कराने में टॉम का इरादा क्या था ऑप्शन है ए टू हेल्प हिम बी टू गेट आउट ऑफ वर्क सी टू गेट रिवेंज ऑन जिम या डी टू मेकअप प्रॉफिट सही जवाब है टू गेट आउट ऑफ वर्क अगला सवाल पर क्या असर हुआ ऑप्शन है ए जिम वॉज हैप्पी बी जिम वॉज एंग्री सी जिम वॉज डिसीव्ड और डी जिम वॉज सस्पिशियस सही जवाब है सी जिम वॉज डिसीव्ड अगला सवाल वॉट डिड टॉम डू टू मेक वाइट वाशिंग फैंस को वाइट वॉश करने का काम बहुत ही एंजॉएबल है वो दिखाने के लिए टॉम ने क्या किया ऑप्शन है ए प्लेड म्यूजिक बी मेड इट साउंड लाइक अ फन एक्टिविटी सी सेंग सॉन्ग्स और डी इन्वाइटेड फ्रेंड्स टू हेल्प सही जवाब है मेड इट साउंड लाइक अ फन एक्टिविटी टॉम ने फ्रेंड्स को इस तरह से व्हाइट वॉश करना शुरू किया कि दूसरे फ्रेंड्स को लगे कि व्हाइट वॉश करने में बहुत मजा आ रहा है अगला सवाल है हु वॉज ईटिंग एप्पल वेन टॉम वॉज वर्किंग टॉम जब काम कर रहा था तो एप्पल कौन खा रहा था ऑप्शन है ए सिड बी बेन रॉजर्स सी जिम या डी टॉम्स फ्रेंड सही जवाब है बेन रॉजर्स अगला सवाल वॉट डिड बेन रॉजर्स प्रिटेंड टू बी वाइल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट बेन रॉजर खेलने आया तब वो क्या है ऐसा दिखावा कर रहा था ऑप्शन है ए सोल्जर बी कैप्टन सी स्टीम बोट या डी हॉर्स सही जवाब है स्टीम बोट बेन जब टॉम के पास आया तो वो स्टीम बोट है ऐसा परसोनेट कर रहा था अगला सवाल व्हाट डिड बिली फिशर ऑफर टॉम इन एक्सचेंज फॉर व्हाइट वॉशिंग बिली फिशर ने टॉम को व्हाइट वॉश के एक्सचेंज में क्या ऑफर किया ऑप्शन है बी kite, सी अ टॉय डी मार्बल्स सही जवाब है काइट बिली फिशर ने टॉम को रिक्वेस्ट किया कि अगर वो व्हाइट वॉश करने के लिए देगा तो बिली फिशर टॉम को काइट देगा अगला सवाल हाउ डिड टॉम react when बेन wanted टू ट्राई व्हाइट वॉशिंग जब Ben white वॉशिंग करना चाहता था तो टॉम ने कैसे रिएक्ट किया ऑप्शन है ए ही अग्रीड इमीडिएटली बी ही रिफ्यूज सी ही इग्नोर्ड बीजिटेटेड इन द बिगिनिंग बट अग्रीडर शुरू में टॉम ने बेन को मना किया बैन को व्हाइट वॉश करने दिया अगला सवाल है वॉट डिड टॉम डू वाइल बेन वॉज वाइट वॉशिंग द फैंस बेन जब व्हाइट वॉश कर रहा था तो टॉम ने क्या किया ऑप्शन है ए कंटिन्यूड वर्किंग बी सेट एंड वॉचड टॉम story? Story ने क्या लेसन सीखा ऑप्शन है ए वर्किंग हार्ड ऑलवेज बीज ऑफ बी पीपल वेल्यू थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू गेट सी इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर विद अदर्स या डी Always follow instructions. सही जवाब है people value things that are hard to get. लोग उसी चीजों की वैल्यू करते हैं जो मिलने में डिफिकल्ट होती है। अगला सवाल है how did tom feel at the end of the day? टॉम को दिन के एंड में कैसा महसूस हुआ? ऑप्शन है ए टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड, बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, सी सैड एंड एंग्री या डी बोर्ड एंड एनॉयड। सही जवाब है हैप्पी एंड सक्सेसफुल। अगला सवाल है वॉट लेसन डिड टॉम लर्न अबाउट ह्यूमन नेचर फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस टॉम ने अपने अनुभव से ह्यूमन नेचर का कॉन्सलेशन सीखा ऑप्शन है ए पीपल लव टू वर्क बी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क सी पीपल डिजायर थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू गेट या डी पीपल अवॉइड डिफिकल्ट टास्क सही जवाब है सी पीपल डिजायर थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू गेट थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें